नमस्कार। आज मिथुन राशि के विषय में एनालिसिस विश्लेषण करने जा रहे हैं। सभी भाई लोग, बहनें, माताएं बड़े ध्यान से सुनेंगे। मिथुन राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। शनि अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही 2023 में 17 जनवरी को कुंभ राशि अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे। तब तक सप्तम सूर्य 15 दिसंबर से आएगा, तो पारिवारिक उलझने, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी मन में बनी रहेगी, एंग्जाइटी तथा अज्ञात भय, यानी कि एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन तथा एजुकेशन संबंधी जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनकी एजुकेशन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, ऐसा ग्रह का संकेत है। क्योंकि एजुकेशन हाउस जो है उसमें शनि की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन कई समस्या होने के बावजूद भी सक्सेस जरूर मिलेगा। जिन लोगों की संतान संबंधी समस्याएं चल रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट अप्रैल के बाद होगा, और नौकरी में प्रमोशन तथा जिनकी नौकरी नहीं है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मिथुन राशि के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या होता है, दे आर डबल माइंडेड पर्सन, दुविधा में रहते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं होते, कंफ्यूजन बना रहता है मन के अंदर। तो उनको डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है। किस प्रकार से फर्स्ट थॉट जब आता है, पहला विचार, पहला एक्शन जो आता है कि ये काम करूं या ना करूं, जो फर्स्ट विचार आया उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेकेंड थॉट को इम्प्लीमेंट करते हैं दैट विल बी द रॉन्ग डिसीजन, वो गलत निर्णय होगा। यही कारण है आपकी सफलताएं बीच बीच में रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि आपका डिसीजन गलत होता है। जब सफलता के निकट पहुंचे, पहुंचने से पहले ही आपको पता चला कि ये काम आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए डबल माइंडेड ना हो, कंफ्यूजन ना रखें। केंद्र स्थान में बृहस्पति गोचर में इस समय चल रहा है। कई हजार ग्रहों के दोष जो है उनको अकेला बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है ये कि केंद्र में अगर बृहस्पति होगा तो वो हर प्रकार के दोषों का निवारण करता है, हजार दोषों को एकदम समाप्त कर देता है। तो जेमिनी साइन जो मिथुन राशि है उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि हाफ दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, 15 दिन ये और 15 दिन जनवरी के, तो ये समाप्त जब होंगे तो आपके शनि जो ग्रह है वो इतना आपको फाइनेंशियली इतनी मजबूत करेगा, द फाइनेंशियल पोजिशन विल बी वेरी साउंड इन द ईयर ऑफ 2023। यू विल गेट गुड सक्सेस एंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड। तो सबके लिए बहुत अच्छा अवसर आ रहा है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे अवसर के समय अपनी आने वाली सफलताओं का लाभ नहीं उठाता फिर उसको पछतावा होता है। तो नेक्स्ट ईयर सबको बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत शुभ और कई प्रकार की समृद्धियां, सफलताएं प्रदान करेगा। लेकिन आपको इमोशंस के ऊपर काबू इसलिए भी रखना है क्योंकि आपका जो मंगल ग्रह रेट्रोग्रेड होकर के 12th हाउस में है, इसलिए खर्चे अपने कंट्रोल करें। यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। कंट्रोल करना अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके
शॉर्ट टेम्पर होना या वाहन तेज चलाना, इट मे बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो बी केयरफुल और सावधानी से काम करेंगे तो 2023, 24 और 25 भी आपके लिए अच्छी सफलताओं का वर्ष रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।